हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम डिपार्ट कर चुके हैं सुभागपुर रेलवे स्टेशन से। सुभागपुर लखनऊ डिवीज़न के नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है। सुभागपुर की लखनऊ से दूरी है 124 किलोमीटर और सुभागपुर गोंडा गोरखपुर लूप लाइन सेक्शन में आता है। मात्र 3 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है और आज हम सुभागपुर से बलरामपुर तक का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट लेने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको सुभागपुर से सौरभगढ़ तक का पूरा अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको मैप के जरिए गोंडा गोरखपुर लूप लाइन का पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि कितनी कुछ लाइन इलेक्ट्रिफाई हो चुकी है और कितनी लाइन इलेक्ट्रिफाई करना बाकी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मैप पर और गोंडा से सुभागपुर तक की लाइन जो है इलेक्ट्रिफाई हो चुकी है और सुभागपुर से सौरभगढ़ तक 123 किलोमीटर का ये सेक्शन है जो कि इलेक्ट्रिफाई किया जाना बाकी है। यहाँ पर हमारा झारखंडी और बलरामपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन पॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि बलरामपुर से एक लाइन निकल जाएगी खलीलाबाद के लिए और वहीं झारखंडी से एक लाइन निकल जाएगी श्रावस्ती के रास्ते बहराइच के लिए। और वहीं हम आगे बढ़ते हैं तो आता है गैसड़ी जंक्शन। और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं कि मीटर गेज के वक्त यहाँ से एक लाइन निकल जाती थी जरवा के लिए, लेकिन जब से हमारी गोंडा गोरखपुर लूप लाइन को ब्रॉड गेज में बदला गया तब से यहाँ से जरवा के लिए कोई ट्रेन नहीं चलती है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो आता है सौरभगढ़। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गोरखपुर से नौतनवा वाली जो लाइन है उसको भी पूरा इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया है। तो अभी हम लोग ऑनबोर्ड हैं गोंडा गोरखपुर डेमो में और हम लोग सुभागपुर रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सुभागपुर पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पहले ही कर लिया गया है। वीडियो थोड़ी बड़ी है क्योंकि मैंने इस वीडियो में सुभागपुर, भवानीपुर कला, इंतिया थोक और बलरामपुर रेलवे स्टेशन को कवर किया है। गोंडा पे यार्ड रिमॉडलिंग के चलते इस ट्रेन को सुभागपुर से चलाया जा रहा है। वैसे तो ये ट्रेन गोंडा से ऑरिजिनेट और गोंडा पर ही टर्मिनेट होती है। सामने आप सुभागपुर रेलवे स्टेशन का बोर्ड देख सकते हैं और सुभागपुर का स्टेशन कोड है SUBR। और अब हमारी ट्रेन ने सुभागपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म छोड़ के मेन लाइन पकड़ ली है। तो दोस्तों, अब हम इंतिया थोक के आउटर पर हैं और यहाँ पर भी OHE फाउंडेशन का वर्क चल रहा है। यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगाया जा रहा है। इंतिया थोक में टोटल 2 प्लेटफॉर्म हैं। सामने आप इंतिया थोक रेलवे स्टेशन का बोर्ड देख सकते हैं। इंतिया थोक का स्टेशन कोड है ITE। इंतिया थोक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी OHE फाउंडेशन का वर्क चल रहा है। अभी इनमें मास्ट इरेक्ट नहीं किए गए हैं। सामने आप रॉ मटेरियल देख सकते हैं और उससे आगे आप बॉक्सन फ्रीट वैगन देख सकते हैं जो कि इंतिया थोक के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा है। दोस्तों, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मास्ट को 90 डिग्री पर इरेक्ट कर दिया गया है। अब इनमें ब्रैकेट ट्यूब, स्टेट ट्यूब, इंसुलेटर और बाकी OHE अरेंजमेंट के साथ कैटिनरी और कॉन्टैक्ट वायर लगा दिए जाएंगे। और अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भवानीपुर कला रेलवे स्टेशन। भवानीपुर कला रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BWP। इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी मास्ट को 90 डिग्री पर इरेक्ट कर दिया गया है। गोंडा गोरखपुर लूप लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का डेडलाइन जो रखा गया है वो सितंबर 2022 रखा गया है। अब देखना ये होगा कि सितंबर 2022 में ये इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो पाता है या नहीं। इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद इस सेक्शन में ट्रेनों की संख्या तो बढ़ेगी ही और बाकी जो ट्रेनें इस सेक्शन में चलती हैं वो इलेक्ट्रिक लोकों के साथ चला करेंगी। अब हमारी ट्रेन भवानीपुर कला रेलवे स्टेशन से भी निकल चुकी है। अब अगला रेलवे स्टेशन है बलरामपुर।
दोस्तों अब हम हैं बलरामपुर के आउटर में और यहाँ पे आप सामने चीनी मिल देख सकते हैं। सामने आप जो ट्रैक देख रहे हैं उसकी मदद से फ्री ट्रेनों में माल ढुलाई का काम चलता है, इसीलिए यहाँ पे OHE फाउंडेशन का वर्क नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अब आप यहां देख सकते हैं कि OHE फाउंडेशन का वर्क यहां पे चालू है। और अब हम पहुंच चुके हैं बलरामपुर रेलवे स्टेशन। सामने आप बलरामपुर का बोर्ड देख सकते हैं। बलरामपुर के प्लेटफॉर्म पर भी OHE फाउंडेशन का वर्क चल रहा है, साथ ही में बलरामपुर में ट्रैक्शन सब स्टेशन और टावर वैगन सेट भी बन रहा है, जिसका अपडेट मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले कुछ हफ्तों में मैं आपको गोंडा गोरखपुर लूप लाइन का ही इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कृपया ध्यान दीजिए।